आठवीं बोर्ड परीक्षा 2023 आपके 8 तारीख को आप गणित का पेपर है, और इससे पहले आपके जो गणित का पेपर से पहले आपके जो विज्ञान के और सामाजिक के पेपर और ये सभी आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो आपको काफ़ी फायदा मिला होगा। तो निश्चित रूप से आपको गणित में भी फायदा मिलेगा, और फायदा उन्हीं को मिलता है जो वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं, पूरे पूरे वीडियो देखते हैं और उनको समझते हैं। तो इस वीडियो में हम आपके जो एक 8वीं क्लास का जो गणित का पेपर है वो देखेंगे, और ये आपके लिए 8 तारीख के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। इसमें से कई सारे प्रश्न आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी प्रकार से समझना। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं हम इसमें। ये पहला प्रश्न आपके ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या योज्यतस्मक है, योज्यतस्मक ज्ञात करना है। तो योज्यतस्मक का जो मान होता है वो हमेशा जीरो होता है। योज्यतस्मक का मान कितना होता है? जीरो होता है। और गुणनतस्मक पूछे आपके, तो गुणनतस्मक का जो मान है वो आपके एक होता है। योज्य का मतलब आता है इसका विपरीत चिन्ह, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस लेते हैं। तो एक संख्या है मान लो आपकी जैसे दो, इसका योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा आपके? माइनस का दो। तो योज्य तस्मक कितना होगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 - 2 बराबर जीरो आएगा। इस प्रकार से इसका जो उत्तर आता है योज्य का, योज्य का मतलब योग और घटाव, तो इसका आपके जीरो आएगा। और गुणन का पूछे तो आपको एक करना है। प्रश्न संख्या दो है आपके कि संख्या दे रही है आपको माइनस के 5, इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। जैसे ही ऐसे संख्या दे आपको एडिटिव इनवर्स ज्ञात करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें माइनस के 5 दे रखे तो इसको 1/ में लिख लो, 1/-5। गुणात्मक प्रतिलोम में इसके निशान नहीं बदलते हैं, जबकि योज्य प्रतिलोम में इसके निशान बदल जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। ये तो बटा में नहीं दे रखा था, माइनस के 5 ही दे रखा। मान लो आपको ऐसे दे दे कि माइनस का 2/3, इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो, तो आपको उल्टा कर देना है, माइनस के 2/3 को 3/-2 कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको उत्तर निकालना आना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, समीकरण दे रखिए 6x = 12, इसका आपको हल ज्ञात करना है। तो हल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो 6 है इसको गुणा से हटाएंगे, बराबर से उधर लाएंगे। तो आपको पक्षांतरण के कुछ नियम है वो याद कर लेने, जैसे बराबर से इधर प्लस है और उधर जाएगा तो माइनस होता है, माइनस बराबर से इधर आता है तो प्लस बन जाता है। भाग की संख्या है तो वो गुणा में हो जाती है, और गुणा की संख्या भाग में हो जाती है। ये आपको 4 नियम अच्छी प्रकार से याद कर लेने, ताकि आपके पक्षांतरण है जो आप आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, और गुणा की संख्या बराबर से इधर आती है तो भाग में जाती है। तो हम क्या करेंगे? इस 6 को 12 के भाग में लाएंगे। तो x बराबर क्या आएगा आपके? 12/6। 12 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा? 12 में 6 का भाग जाएगा आपके 2 बार। तो इसमें x का मान कितना आएगा आपके? 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपके 2 आएगा। इस प्रकार से पूछे आपके, और जैसे x + 5 = 12 पूछे, इसमें आपको x का मान ज्ञात करना हो तो इस 5 को यहाँ से हटाएंगे, प्लस के 5 बराबर से इधर आएंगे तो माइनस के बनेंगे। तो 12 - 5, 12 में से 5 गए तो 7 इसके उत्तर आएंगे। अगला सवाल देखते हैं। तो आपको पक्षांतरण करना इस प्रकार से आना चाहिए। अगला जो सवाल है आपके, चौथा सवाल है कि समीकरण दे रखिए आपको 2x - 3 = 5, इसमें से चर कौन सा है? तो चर जो होता है, चर जो होती है वो अंग्रेजी का जो अक्षर होते हैं, ABCD वाला अक्षर, वो हमारे चर होते हैं। तो चर क्या हो जाएगा इसमें? x हो जाएगा। तो चर क्या होगा इसमें? x है। अचर क्या होता है? तो अचर जो होते हैं वो बिना x वाली जो संख्या है वो अचर होती है। जैसे इसमें 3 अचर है, 5 इसमें अचर है। तो फिर ये 2 क्या है? तो 2 को हम कहेंगे x का गुणांक, x का गुणांक कहेंगे, यानी कि x के गुणा में क्या है? तो x के गुणे में आपके 2 हैं। इस प्रकार से सारी चीज़ आपको याद कर लेनी, इसका उत्तर हो जाएगा आपके चर इसमें x है। अगला प्रश्न आपके हैं 3/x = आपका माइनस का 3। तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? इस x को भाग में है तो इधर ले जाएंगे इसको, तो ये आ जाएगा आपके 3 - -3 × x। हमको x का मान ज्ञात करना, तो -3 को गुणा से इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/-3 = x। तीन में -3 का भाग देंगे, ये वही नियम है कि प्लस में है जो भाग देते हैं माइनस का, तो उत्तर माइनस में ही आता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो भाग में भी माइनस में ही आएगा उसका उत्तर। तो माइनस का 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा, तो इसका जो उत्तर आएगा आपके, ये माइनस के 3/-3 लिखो या फिर इसका उत्तर -1 हो तो वो भी सही है। तो हमारे दे रखा है यहाँ पे 3/-3, तो इसका उत्तर आपके ब ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन 3/-3। अगला प्रश्न देखते हैं, 9 का वर्ग ज्ञात करना। मैं आपको वर्ग ज्ञात करना सिखा देता हूँ, वर्ग आसान है, सबसे आसान है वर्ग। 9 का वर्ग पूछा है तो कुछ नहीं करना है आपको, 9 को 9 से गुणा करना है। 9 का पारा 9 बार बोलो, 9 * 81 होते, तो ये 9 का वर्ग हो गए। कुछ भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना, किसी भी संख्या का, तो उसको उसी से गुणा करना पड़ता है, वर्ग में उसको उसी से गुणा करना पड़ता है, वर्ग यानी कि स्क्वायर।
तो 9 का स्क्वायर, ये 9 के ऊपर 2 लगा हुआ है, इसका मतलब 9 का स्क्वायर है, 9 इंटू 9 कितने हो जाएंगे, 9 में 81 हो जाएंगे। आपको 10 तक तो वर्ग याद है, 10 तक पहाड़े याद है, तो 10 तक वर्ग भी याद है। जैसे आपको 2 का वर्ग पूछे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 का पहाड़ा दो बार बोलो, 2 इंटू 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। 3 का वर्ग पूछे तो आपको 3 का पहाड़ा 3 बार बोलना है, 3 इंटू 3 3 3 9। 4 का वर्ग पूछे तो 4 का पहाड़ा 4 बार बोलो, तो 4 चौक 16। इसका मतलब 10 तक के वर्ग तो आपको याद है। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25। 6 का वर्ग पूछे तो 6 छंग 36 हो जाएगा, 6 इंटू 6 बराबर 36 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको 7 का और 8 का वर्ग कमेंट करके बताना मुझे कि 7 का और 8 का वर्ग कितना आएगा। बहुत आसान है वर्ग, उसका पहाड़ा उसी बार उतनी ही बार बोलना है। तो 7 का पहाड़ा 7 बार बोल के इसका उत्तर लिखना है, वर्ग आ जाएगा। 8 का पहाड़ा 8 बार बोल के उसका उत्तर लिखना है, वर्ग आ जाएगा। फिर है आपके वर्गमूल ज्ञात करना। अगर आपको याद है 1 से लगा के आपको 10 तक के वर्ग याद है, तो वर्गमूल तो आपको और आसान हो जाएगा। आपको वर्गमूल का मतलब ये बताने कि ये जो सौ लिखे हुए हैं ये किसके वर्ग है, तो 100 किसके वर्ग हो जाएंगे, 100 10 के वर्ग हो जाएंगे। 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है, 10 इंटू 10 10 दाए 100 होता है, इसका उत्तर आ जाएगा आपके 100। और वैसे अगर आपको वर्गमूल निकालना है, बड़े प्रश्न में पूछ लीजिए 100 का वर्गमूल याद करो, तो फिर आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको 100 के गुणनखंड करके बता देता हूँ। 100 में सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 का भाग जाता है। 2 की भाजकता का नियम ये है कि जिसके इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, तो उसमें 2 का भाग पूरा जाता है। तो इसमें 2 का भाग दे देंगे हम, 5 बार जाएगा 10 में और 0 का 0 ही उतर जाएगा। 2 का भाग देने का मतलब संख्या का आधा करना है। 100 का आधा कर लिया हमने, 50 कर लिया, वापस 2 का भाग जाएगा तो फिर कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। अब देखिए 2 का भाग जाएगा क्या 25 में, नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 आ गए। तो फिर 3 का चेक करो, 3 का चेक करने के लिए संख्या को जोड़ के देखते हैं, 2 और 5 7 हो रहे, इसका मतलब 7 3 के पहाड़े में नहीं आते, तो इसमें 25 में भी 3 का भाग पूरा नहीं जाएगा। फिर 5 की भाजकता लगाएंगे, 5 के लिए हम इकाई का अंक देखते हैं, या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। यहाँ पर 0 होगा तो भी इसमें 5 का भाग जाता है, और 5 होगा तो भी इसमें 5 का भाग जाएगा, इसका मतलब इसमें हम 5 का भाग देंगे। 5 का भाग 25 में 5 बार और 5 में 5 का भाग 1 बार। जो संख्या है आपके 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, फिर इसमें 2 2 के 2 बार गुणा करते हैं तो 2 2 के जोड़े बनाते हैं, तो 2 एक बार लिखेंगे और 5 एक बार लिखेंगे। 2 पंजे कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो ये होता है आपके 100 का वर्गमूल कितना, 10, या 10 का वर्ग पूछे तो 100। तो इस प्रकार से आपको सारी संख्याओं के वर्ग और वर्गमूल निकाल लेने, कम से कम आपको जो 30 तक की जो संख्या है उनके वर्ग और उनके वर्गमूल याद कर लेने, ताकि जो आप उत्तर है जो जल्दी निकाल पाएंगे। जैसे किसी को 100 का वर्ग 10 का वर्ग याद है तो वो 100 का उत्तर डायरेक्टली लिखेगा, 100 का वर्गमूल कितना है तो वो 10 लिख लेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये पूछा है कि इसका जो संख्या लिखी हुई 15625, इसके घनमूल का इकाई अंक क्या होगा। घनमूल का इकाई अंक जैसे आपको पता होना चाहिए, 1 से लगा के 10 तक आपको घन भी याद कर लेने, जैसे वर्ग याद करेंगे वैसे घन भी आसान है। वर्ग में तो 2 2 के गुणा करते हैं और घन में हम 3 3 का गुणा करते हैं। जैसे 2 का घन पूछा आपको, 2 का घन, तो आपको 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8। आपको पूछे कि 2 का घन कितना होता है, तो 2 का घन 8 होता है। इसी प्रकार से आपसे पूछे कि 3 का घन कितना होता है, तो 3 का घन जो होता है वो आपको 3 को 3 बार गुणा करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ये हो जाएंगे 9 और 9 3 27 हो जाएगा, तो ये 3 का वर्ग 27 आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे 1 से 10 तक ये घन बता देता हूँ। 1 का घन 1 ही होता है, 2 का घन 8 होता है और 3 का घन 27 होता है, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ये सारी संख्याएं आपको याद कर लेनी है, याद नहीं हो तो आप गुणा करके निकाल लेना, आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 7 का घन कितना है, 343, तो 7 को 3 बार गुणा करके देख लेना, 343 आ जाएगा और आपको उत्तर भी याद हो जाएंगे। 8 का घन 512 है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 करके देखना, 512 आपके आ जाएगा। अब आपको पूछा है कि घनमूल, तो देखो 1 का घनमूल कितना होता है, 1 ही होगा, 8 का घनमूल 2 होगा, 27 का घनमूल 3, 64 का घनमूल 4 और 125 का घनमूल 5 और 216 का घनमूल 6 और 343 का घनमूल 7, 512 का घनमूल 8 और 729 का घनमूल 9, 1000 का घनमूल 10। अब चाहे ये आपके संख्या 1 से लगा के 10 तक पूछे, या इनका घनमूल 20 से आगे के पूछे, 11 से 20 तक पूछे,
इनका जो इकाई का अंक है, जैसे किसी के लास्ट में अगर मान लो 5 है तो उसका घनमूल का इकाई अंक भी 5 ही होगा, किसी के इकाई का अंक आपके 4 हैं तो उसका जो घनमूल का इकाई अंक 4 होगा, किसी के घनमूल का इकाई अंक घन का इकाई अंक 7 है तो घनमूल का इकाई अंक 3 होगा, इसी प्रकार से 8 है तो 2 और 6 है तो 6 होगा और 2 है तो 8 हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा याद करना है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या दे रखा है आपको 15625, तो 25 में लास्ट में 5 है तो इसका घनमूल का जो इकाई अंक है वो भी कितना आएगा आपके 5 ही आएगा। यहाँ पर 216 दे रखा होगा तो 216 किसके 6 है तो फिर आपके 6 आ जाएंगे। और मान लो दे रखा हो आपके 7 के घनमूल 343, तो इसका जो 7 है तो 7 का घनमूल आपके जो इकाई का अंक है वो 3 ही आएगा, चाहे वो आपके 17 का पूछे या 27 का पूछे, सबका जो इकाई का अंक है वो 3 ही आने वाला है। अगली संख्या पूछी गई आपसे कि किसी संख्या किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों में से 60% प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए, तो आपको ये बताने कि कितने विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। आपको 40 का 60% ज्ञात करना है, 40 का 60% ज्ञात करने के लिए 40 का 60% ज्ञात करेंगे यूँ लिखेंगे इसको 40 इंटू 60 का की जगह इंटू आएगा और प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा। ये इसके एक जीरो से इसका एक जीरो कट जाएगा और इसके दूसरे जीरो से इस 100 का दूसरा जीरो कट जाएगा। कुल मिला के जो संख्या बचेगी वो 4 इंटू 6 बचेगी, 6 चौक कितने होते हैं 24 होते हैं, यानी कि 40 में से जो 24 विद्यार्थी ऐसे हैं जो फर्स्ट डिवीजन पास हुए 60% से पास हुए। तो आप बताना कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जो आपके फर्स्ट डिवीजन पास नहीं हुए, इनकी प्रथम श्रेणी से पास नहीं हुए, आप कमेंट करके इसका उत्तर बताना। अगला प्रश्न है, ये पूछा है कि 2 की घात -4, इसका आपको गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। पहले तो ये 2 की घात -4 को सही रूप में लिखेंगे। 2 की घात -4 यानी कि किसी की घात अगर माइनस में दे रखी हो तो उसको 1 के बटा में लिख के इसको प्लस में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 की घात -4 है तो इसको लिखेंगे 1/2 की घात 4। इसका ज्ञात करना है आपको गुणात्मक प्रतिलोम, तो ये बट्टा में दे रखा तो उसको हम चेंज कर देंगे। ये 1/2 की घात 4 है तो ये चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 की घात 4/1 आ जाएगा। बट्टे में 1 का कोई मतलब नहीं है, 2 की घात 4 का हम मान निकालेंगे तो 2 को 4 बार गुणा करेंगे, 2 × 2 × 2, ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा और ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा। फिर 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 × 4 = 16 आ जाएगा। तो इसका जो उत्तर आएगा आपके गुणात्मक प्रतिलोम का 16 उत्तर इसका आएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक नियम होता है, ऊपर अगर घात माइनस में है और उसको नीचे लाते हैं तो वो प्लस में बदल जाती है, और नीचे अगर माइनस में है और उसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो वो हमेशा प्लस में बदलती है। एक और नियम आपको याद कर लेना कि किसी भी संख्या की जो घात है वो 0 होती है तो उसका मान हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। चाहे यहाँ पे 12 की घात 0 है तो इसका उत्तर 1 ही आएगा, 100 की घात 0 हो जाए तो भी इसका उत्तर 1 ही आता है। तो किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका उत्तर हमेशा 1 आता है, ये आपको याद कर लेना है अच्छे से। अगला जो प्रश्न आपके ये बनता है कि 12x + 36 का आपको सार और गुणनखंड ज्ञात करना है, तो आपको 12 के भी टुकड़े करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे और 36 के भी गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 12 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4 और 4 = 12, गुणनखंड कर लिया हमने और इंटू में लिख लिया हमने एक्स, और यहाँ पर है 36 तो 36 को लिखेंगे हम इसमें, 36 के टुकड़े करेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग 18 बार, फिर 2 का भाग 9 बार, फिर 3 का भाग 3 बार और फिर 3 का भाग 1 बार। यहाँ पे 2 × 2 × 3 × 3, अब दोनों में से जो कॉमन है उसको हम एक एक बार लिखेंगे, सार गुणनखंड में एक एक बार लिखा जाता है। इसमें से 2 कॉमन है तो इसको हम 2 लिखेंगे, इनटू इसमें से 2 है तो इसको 2 लिखेंगे, एक इसमें 3 कॉमन है तो 1 बार 3 लिखेंगे, और कोई कॉमन नहीं है तो ये इसका सार गुणनखंड होगा 2 × 2 × 3। तो गुणा कर लो इसको, 2 × 2 = 4 और 4 = 12, तो 4 × 3 करेंगे तो 4 + 3 कितना आएगा आपके 12 आएगा। तो 12 और 36 का सार गुणनखंड का मतलब ऐसी संख्या लेनी है जिसका भाग 12x में भी जाए और 36 में भी जाए, बड़ी से बड़ी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 12। 12 का भाग इस 12x में भी जाएगा और 12 का भाग इस 36 में भी जाएगा, तो अपना जो उत्तर आएगा वो सार गुणनखंड 12 आ जाएगा। ये तो होता है गुणनखंड। एक होता है गुणज, गुणज का मतलब ये होता है कि उसके पहाड़े में आने वाली सारी संख्या इसका गुणज कहलाती हैं। जैसे आपसे पूछे कि 2 का गुणज लिखो, 2 का गुणज, तो 2 के पहाड़े में जितनी भी संख्या आती है या फिर जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वो 2 के गुणज है। चाहे वो 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 100 ले लो,
108 ले लो, 120 ले लो, कोई सी भी संख्या जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, 10, 0 हो तो उसमें हम 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, इसका मतलब वो 2 के गुणज है। पूछ ले आपको 3 का गुणज, तो फिर आपके जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है वो 3 के गुणज है, चाहे वो 3 हो, 9 हो, 12 हो, 27 हो, 108 हो। 108 3 का गुणज होगा, हाँ, क्योंकि इसमें जोड़ेंगे तो 9 हो जाएंगे, और 9 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 108 में भी 3 का भाग जाएगा। तो ये 3 का गुणज, इस प्रकार से आपको गुणज देख लेना है। अगला प्रश्न ये है, अच्छा कोई पूछे कि 4 का गुणज 15 है क्या, आप कमेंट करके बताना कि 4 का गुणज 15 है क्या। तो मैं ये बताता हूँ पहले, तो फिर एक दूसरा प्रश्न और पूछता हूँ। तो 4 का गुणज 15 नहीं है, क्योंकि 4 के पार में 15 नहीं आते हैं, 4 का भाग 15 में पूरा पूरा नहीं जाता है, तो 4 का गुणज 15 नहीं है। इसी प्रकार से मैं एक और पूछता हूँ आपको, 5 का गुणज बताना है कि 5 का गुणज 27 है या नहीं है, 27 5 का गुणज है या नहीं है, कमेंट करके बताना। अगर 5 का भाग 27 में पूरा पूरा जाता है तो गुणज है, और 5 का भाग 27 में पूरा पूरा नहीं जाता है तो वो गुणज नहीं है। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में जो आलेख कौन सा है, ये जो आलेख बताना आपको कि ये कौन सा आलेख है। तो ये जो आपको आलेख दिखाई दे रहे हैं, ये आयत चित्र के रूप में जाना जाता है, इसको हिस्टोग्राम कहा जाता है। इसके पास पास में जुड़े हुए, ये पास पास में जुड़े, इसलिए इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। और ये अगर दूर दूर होते हैं ऐसे, इस प्रकार होते हैं, इसको दंड आलेख कहते हैं। ये तो दंड आलेख है, ये वाली आकृति जिसमें बीच में गैप होता है वो तो होता है दंड आलेख, और जो पास पास में जुड़े होते हैं उसको हम कहते हैं आयत चित्र, और जो गोल बना होता है, जो गोल बनते हैं व्रत वाला, उसको व्रत आलेख कहते हैं, इसको पाई चार्ट भी कहा जाता है। इस प्रकार की जो आकृति बनती है वो हमको पाई चार्ट के रूप में जानते हैं, और ये जो पूछा गया है इसमें आयत चित्र का चित्र है। रेखीय आलेख कैसा होता है, ग्राफ बनाते हैं हम, और एक सीधी लाइन जो मिलती है हमको वो रेखीय आलेख के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न, इसका आपको सामान्य रूप लिखना है। देखो पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ करेंगे, तो 10 और 5 को गुणा किया तो 50, फिर इसमें जोड़े 6, कितने हो जाएंगे 56 हो जाएंगे, आंसर कितना आएगा आपके इसके 56 आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके, कि इसमें आपसे पूछा गया कि कोई संख्या 15 से विभाजित होती है, यदि सॉरी 10 से विभाजित, कोई संख्या 10 से विभाजित होती है, अगर कोई संख्या 10 से विभाजित है, तो आपने देखा होगा 10 का पहाड़ा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, तो लास्ट में क्या आ रहा है आपके, इसमें सभी के 0 आ रहा है। तो किसी भी संख्या का जो इकाई अंक है वो 0 है, यूनिट प्लस पर अगर 0 डिजिट आता है तो वो आपकी जो संख्या है वो 10 से डिवाइड होगी, 10 से पूरी पूरी बार विभाजित हो जाएगी, तो डिविजिबल है आपके ये 10 से। तो इसका मतलब ये कि उसका जो यूनिट प्लस पर नंबर है वो क्या होना चाहिए, डिजिट 0 होना चाहिए। फिर आपके दूसरा प्रश्न है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, दो संख्या दे रखी, दोनों में से एक उत्तर आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे पूछा गया है कि -2 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है। देखो एक संख्या रेखा आपको समझ लेनी है, बीच में तो होता 0, इस साइड में होते हैं प्लस, और इस साइड में होते आपके माइनस। तो थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखना है कि इधर जाएंगे तो संख्या बढ़ेगी, इधर जाएंगे तो संख्या घटेगी। 0 से माइनस में आएंगी तो संख्या घटती है, 0 से आगे जाएंगे तो संख्या बढ़ती है। आपसे पूछा है कि माइनस के दो से बड़ी संख्या कौन सी, तो माइनस के दो इधर है, और बड़ी संख्या कब होगी, जब हम इधर जाएंगे। तो इधर देखो, इधर क्या है, माइनस के 3 आएगा या 0 आएगा, तो माइनस के 2 से इधर आएंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब जो -2 से बड़ी परिमेय संख्या वो क्या हो जाएगी, इसमें 0 हो जाएगी। आपसे पूछे कि 0 परिमेय संख्या है क्या, तो हाँ 0 परिमेय संख्या है, 0 को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। वे सभी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, और जिनको हम नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2 है, √5 है, √7 है, वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, और ये अगर छोटी पूछता कि -2 से छोटी कौन सी, तो फिर हम -3 करते, क्योंकि इधर जाएंगे तो संख्या कम पड़ेगी, छोटी हो जाती है इधर, तो ये -3 जो आपके -2 से छोटे हैं। ये पूछे आपके कि -3 और -2 इसमें से बड़ा कौन है, जब दोनों के ऊपर माइनस हो तो जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है, तो -2 इसमें बड़ा हो जाएगा। दोनों के ऊपर प्लस हो तो जो बड़ी संख्या होती है फिर वो बड़ी दिखती है, लेकिन माइनस में थोड़ा सा इसमें उल्टा होता है, इसको ध्यान से देखना है। इसको लिखना है आपको, एक्स से 5 अधिक है, अधिक जब भी आएगा उसमें आप प्लस लेंगे, तो एक्स प्लस 5 लेंगे, कम पहुंचता तो एक्स माइनस 5 लिखते हैं। ये गुणा, एक्स का 5 गुणा लिखते तो ये 5x हो जाता। अगला प्रश्न है कि वर्ग के विकर्णों की संख्या कितनी होती है, तो एक वर्ग आपके जो होता है उसमें विकर्णों की संख्या
पता करनी है। तो वर्ग क्या होते हैं पहले वो देख लेते हैं, फिर इसके विकर्णों की संख्या भी देख लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें वर्ग क्या होता है, फिर इसमें हम देखेंगे विकर्ण की संख्या। वर्ग जो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसको हम वर्ग के रूप में जानते हैं। वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसको हम वर्ग कहते हैं। ये आपके सामने एक वर्ग है जिसका नाम ए बी सी और डी है। ये एक वर्ग है, इसकी चारों ही भुजाएं बराबर हैं। जब चारों ही भुजाएं बराबर होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे, उसको हम वर्ग कहेंगे। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये ए बी सी डी एक वर्ग है, और इसमें जो आमने सामने की जो भुजा होती हैं यानी कि आमने इसमें की जो चारों भुजाएं हो तो बराबर होती हैं, तो चारों भुजाएं तो बराबर होगी, लेकिन इसके जो सामने के शीर्ष हैं आमने सामने के शीर्ष, ए के सामने सी है तो ए को जब हम सी से मिलाएंगे तो ये जो लाइन बनेगी इसको हम विकर्ण कहेंगे। बी को डी से मिलाएंगे तो ये इसका विकर्ण होगा। तो एक वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, एक वर्ग में दो विकर्ण होते हैं। विकर्ण कौन कौन से, तो एक तो ऐसी है और दूसरा नाम इसमें बी डी हो जाएगा। तो ए बी सी डी में दो विकर्ण है, एक तो एस सी है और दूसरा बी डी है। तो इस प्रकार से आपको विकर्ण की संख्या पता करनी होती है, यानी कि पड़ोसी को छोड़ के सामने वाले से इसमें मिलाते हैं तो उसमें विकर्ण की संख्या हम पता कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको आयत में पूछें तो आयत में भी आप इसी प्रकार से बता सकते हैं, ये दो विकर्ण इसके होते हैं। वर्ग और आयत और चतुर्भुज, चार भुजा वाले जितनी भी आकृतियाँ होती हैं उन सभी में जो विकर्ण होते हैं वो दो दो विकर्ण होते हैं। त्रिभुज में मैंने पिछले वीडियो में पूछा था कि त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो कई बच्चों ने इसका जवाब दिया इसमें कोई विकर्ण नहीं होता। तो बिल्कुल सही आंसर है, त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है, क्योंकि विकर्ण का मतलब होता है कि किसी भी शीर्ष का पड़ोसी को छोड़ना है। ये ए ले लेते हैं, इसके दोनों पड़ोसी ये बी और सी है, इसको जब हम छोड़ देंगे तो संख्या तो बचेगी नहीं फिर, यानी कि जो शीर्ष है वो तो बचेगा ही नहीं, तो इसमें कोई विकर्ण हम नहीं खींच सकते। तो त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है, और वर्ग में जो होते हैं आपके दो विकर्ण होते हैं, एक वर्ग में दो विकर्ण होते हैं। और पूछ ले आपको कि एक आयत में कितने विकर्ण है, तो फिर उसमें भी दो ही बताना है। अगला प्रश्न है आपके, ये 272 का वर्ग का इकाई अंक करना है। देखो किसी भी संख्या का वर्ग का इकाई अंक करना हो, वर्ग का इकाई अंक ज्ञात करना हो तो आपको आसान है कि संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, आपसे पूछे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, तो आपको इतनी बड़ी संख्या को इसी से गुणा नहीं करना, ऐसे गुणा करके नहीं देखना है। आपको सीधा क्या करना है, जो लास्ट की संख्या है उसको उसी से गुणा करके देख लेना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसका इकाई अंक 6 × 6 करेंगे तो 36 का 6 ही आएगा, वैसे ही आपको पूछे कि अब कितना आएगा इसमें, तो इसका 5 × 5 कर लेंगे। जैसे 4 का पूछे तो 4 × 4 कर लेंगे। जो लास्ट वाली संख्या दे रखी उसका वर्ग कर लो, तो यहाँ पे 2 है तो फिर 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा, तो इसका इकाई अंक भी 4 ही आएगा। यहाँ पे 272 को 272 से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 50% कितना होता है, 50% ज्ञात करना है। तो 50% ये ज्ञात करने के लिए आपको का और ये प्रतिशत हटाना पड़ेगा, तो हमने लिखेंगे इसको 50 का की जगह इंटू और 50 और बट्टे में प्रतिशत हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। इसके जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस 50 के जीरो से ये जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या 5 × 5, 5 × 5 कितने होते हैं 25 हो जाते हैं, तो 25 इसका आंसर आएगा। 50% कितना होता है, 25 होता है। इस प्रकार से आपको सवाल देखने हैं। एक प्रश्न मैं पूछता हूँ, उसका उत्तर आप कमेंट करके निकालना, देखिए बता के कमेंट करना कि जैसे संख्या दे रही है आपको 16, आपको 16 का निकालना है 25%, बताना देखिए कमेंट करके कि 16 का 25% कितना होता है। प्रश्न तो ऐसे ही मिलेंगे आपके, संख्या चेंज कर देंगे, आपको ये तरीका आना चाहिए कि 16 का 25% कैसे निकालते हैं, 50 का 50% कैसे निकालते हैं। गुणनखंड बताना है, गुणनखंड का मतलब ये है कि 7x - 42, इसमें से कॉमन क्या है, तो इसमें से कॉमन निकालेंगे, इस 42 को हम 7 × 6 लिख सकते हैं, तो 7x - इनकी 2 × 3 × 7 हो जाएगा। यहाँ पे हम 7 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा x - 2 × 6 बच जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जो गुणनखंड आपको लिख लेना है, तो 7 − 7 cos x - 6 इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि मूल बिंदु के आपको निर्देशांक लिखने हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0, ये x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। x के मान को कहा जाता है भुज, x के मान को कहा जाता है भुज और y के मान को कहा जाता है कोटि। ये भुज और कोटि आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेनी है। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न ये कि 132 के अंकों को उल्टे क्रम में पलटने पर बनने वाली संख्या कौन सी है। इसको जब हम पलटेंगे तो ये 132 है तो ये बन जाएगा 231, 231 बनेगी, 231 आपके इस प्रकार से लिख लेना है 231। ये 132 है तो ये 23, इसको उल्टा लिख लेना फिर 231। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें आपको सत्य असत्य बताना है। सत्य असत्य में आपको ये करना है कि 2 और 0 के मध्य की जो परिमेय संख्या है वो माइनस का 1 है, तो गलत हो जाएगा। 2 और 0 के बीच में तो क्या आता है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 0 और 2 के बीच में तो प्लस का 1 आता है, माइनस का 1 तो -1 और -2 और 0 के बीच में आता है, इसका मतलब ये असत्य है। आपसे पूछे अगला प्रश्न ये कि y+9=4 हो तो y का मान माइनस का 5 होता है। देख लेते हैं इसमें y+9 = 4 है तो y बराबर हो जाएगा आपका 4 - 9, 4 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा, इसका मतलब ये सही कह रहा है, ये y+9=4 हो तो y का मान माइनस का 5 होता है, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बिल्कुल सही बात है, ये होता है, किसी भी बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। बाहर के जो कोण होते हैं, चाहे वो आपके वर्ग ले लो, आयत ले लो, या त्रिभुज ले लो, कोई पंचभुज ले लो, इन सभी के जो बाहर के जो कोण है, बाहर के जितने भी कोण हैं, इन सभी की जो जोड़ है वो 360 डिग्री के बराबर होती है। अंदर वाले कोण सबके लिए अलग अलग होता है, जैसे त्रिभुज के लिए अंदर के जो कोण है वो 180 होते हैं, आयत और वर्ग और चतुर्भुज के लिए 360 होते हैं, पंचभुज के लिए अंतःकोणों का योग अलग होता है। तो अंतःकोण तो अलग अलग होते हैं लेकिन बाहर के जो कोण है वो सभी के लिए बराबर होते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा आपकी बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न ये चौथा कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। गलत कह रहा है, जिस मूल्य से कोई वस्तु बेची जाती है उसको कहते हैं विक्रय मूल्य, उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं, विक्रय मूल्य इसको कहा जाता है, और ये बेची जाती है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं, और जिस मूल्य पर खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे आपने 2 रुपये में पेन खरीदा, 2 रुपये में पेन खरीदा, तो खरीदे तो ये 2 रुपये जो है, 2 रुपये जो आपके क्या है, क्रय मूल्य है, और आपने 3 रुपये में बेचा, 3 रुपये में बेचा तो ये 3 रुपये इसका विक्रय मूल्य होगा, तो बेचने वाला विक्रय मूल्य और खरीदने वाला क्रय मूल्य के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपको इसको असत्य बता देना है। ये कह रहे हैं कि आधार समान होने पर घातें जुड़ती है, ये गुणा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, तो ए की घात m इंटू बी की ए की घात n हो तो इसकी आधार समान होने पर घातें जुड़ती है, तो ए की घात m प्लस n आता है, जबकि ये तो गुणा कर रहा है, इसका मतलब गलत कर रहा है, ये असत्य है। आपको ये नियम याद कर लेना है, आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं। कैसे जुड़ती है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे 2 की घात मान लो 3 हो और इसको गुणा करना हो 2 की घात 4 से, तो इसको सीधा लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना गुणा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखो आप 2 की घात 3+4=2 की घात 7 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपके ये है छठा प्रश्न, m² - 25 है, इसका आपको गुणनखंड ये जो m+5 और m-5 होगा, तो देख लेते हैं इसका। देखो ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर, इसको भी हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं 25 को, तो ये m² है, इसको हम लिख सकते हैं m² और 25 को लिखेंगे हम 5 का स्क्वायर। ये सूत्र बना अपना a² - b², इसको हम लिख सकते हैं a+b और a-b, तो a का मान m है और b का मान 5 है, तो ये हो जाएगा m+5 और m-5, ये इसका जो आपके सूत्र बन गया और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हाँ, इस m-25 को m+5 और m-5 के रूप में लिख सकते हैं, ये बिल्कुल सत्य हैं। अगला प्रश्न है कि 9वां, 8वां, 7वां, ये एक संख्या 9 से विभाजित है, यदि उसे अंकों का योग 9 से विभाजित होगा, तो किसी भी संख्या के अंकों की जोड़ में 9 का भाग जाता है तो उसमें भी 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे संख्या ले लो मान लो 27, 27 के अंकों को जोड़ो 2+7=9, 9 में 9 का भाग जाता है इसलिए 27 में भी 9 का भाग जाएगा। आपसे पूछे कि 108 में 9 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो 1+0+8 इनकी जोड़ करो, तो 1 और 0 1+8 9 हो जाएगी, 1 और 8 9, 9 में 9 का भाग जाता है, इसका मतलब 108 में भी 9 का भाग जाता है। कोई दूसरी संख्या लेके देख लेते हैं जिसकी जोड़ है जो 9 नहीं आती हो, जैसे मान लो आपके यहाँ पे ले लेते हैं 35, 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो 5 और 3 8 होते हैं, तो यहाँ पे हम 8 में 9 का भाग नहीं जाता है इसलिए 35 में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। तो ये भाजकता का नियम आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है।
जिसमें देखो दो की भाजकता का नियम, इकाई का अंक देखते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 10 का 0 हो जाएगा, और 3 के लिए जोड़ करते हैं, और फिर आपके 5 के लिए 0 या फिर आपके 5 होना चाहिए, और 6 के लिए जिसमें 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, उसमें 6 का भाग भी जाता है। जिस संख्या में 2 का जाता है, 3 का जाता है, उसमें 6 का भाग भी जाता है, 2, 3, 6 का भाग भी जाएगा। तो ये तो आपके सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें आपको मिलान करना है। देखो मिलान करने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपके गुणा करना है, 2x 3y, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, और xy वैसे वैसे आ जाएगा, तो इसका जो उत्तर आएगा वो आपके 6xy आएगा। 6xy से मिलान कर ली, xy yx zx ये दो दो गुणा में आधार समानुपात पे घातांक की जुड़ेगी, तो ये x कितनी बार है, एक मिनट इसको हम वापस चेक करते हैं। यहाँ पर ये वाला जो यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे z है, तो ये हो जाएगा आपका x दो बार है, y दो बार है, z भी दो बार है, तो x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर हो जाएगा। इसका उस इसमें मिलान कर लेना है, 25y की घात 3, तो 25y की घात 3 यानी कि इसका जब हम टुकड़े करेंगे तो ये इस रूप में इसका जो उत्तर आपके 25y की घात 3 आ रहा है। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 5 और 5 25 हो जाएगा, वाई को वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे तो y की घात 1 + 2 = y की घात 3 हो जाएगा। तो इसका जो मिलान करेंगे तो ये माइनस के साथ में कर लेंगे। फिर आपके हैं a into a into a, ये a 3 बार है, तो a into a into a, a की घात 1, 1, 1, 3 बार 1 के, तो 1 की घात 1 + 1 + 1 ये जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर आएगा आपके 1 की घात 3 आएगा। इसी प्रकार से x/y का योज्य प्रतिलोम, जब योज्य प्रतिलोम पूछे तो उल्टा लिखना है, यानी कि प्लस का माइनस लिखना है, तो x/y का जो योज्य प्रतिलोम है वो माइनस का x/y हो जाएगा। इसका योज्य प्रतिलोम आपको यहाँ पे मिलान कर लेना है माइनस का x/y से। तो ये था आपके मिलान करने वाला प्रश्न। आगे प्रश्न देखते हैं, दूसरा लघुत्तरात्मक प्रश्न है। ये दे रखा आपको 5/4, इसको आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, 5/4। तो सबसे पहले जैसे संख्या लिखी हुई है, ये यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। इसको हम 4-4 भागों में बांटते हैं, तो 1 फिर ये 2 फिर ये 1, 2, 3 और ये 4, 5, 6, 7 और ये हो जाएगा आपके 8। तो इस प्रकार से यहाँ पर तो आपके आ जाएगा आपके ये 1/ ये, एक मिनट इसको हम देख लेते हैं वापस, ये है आपके 0, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो आपके 1/4 फिर 1/ फिर ये 2/4 है और ये 3/4 है, ये 4/4 है, ये 5/4 है। टोटल आपको 4-4 भागों में ये विभाजित करना है, तो ये हो जाएगा आपके 5/4 जो कि इस जगह पे आ जाएगा। नीचे जो संख्या है इतनी बार उसको बांटना है, ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में 4 टुकड़े करने। अगला प्रश्न आपके है प्रश्न संख्या 6, ये दे रखा है, इसका आपको हल ज्ञात करना है। तो हल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लघुतम ले लेंगे, 5, 5, 5, तो लघुतम आ जाएगा इसका 5। फिर नीचे जब संख्या एक जैसी हो तो ऊपर वाली संख्या को वैसे वैसे लिख लेते हैं, तो 3x + 2x + x सबको जोड़ करेंगे, तो जोड़ कितनी है, 2 और 3, 5 और 1, 6, तो 6x/5 इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि बहिष्कोण का मान ज्ञात करना है। एक त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाते हैं इस प्रकार से, ये जो बाहर कोण बनता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये जो बाहर कोण बनता है, इस बाहर वाले कोण का जो मान है वो इस कोण ए और इस कोण बी की जोड़ के बराबर होता है, तो कोण ए प्लस बी के बराबर होगा। यानी कि ये जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण इस सी की और इस बी की जोड़ के बराबर होगा, इन दोनों की जोड़ के बराबर होगा यहाँ पे। या फिर इसको सीधे ही याद कर लेंगे, एक सीधी लाइन बन रही है, यहाँ पर आपको मान लो 90 डिग्री का कोण दे रखा है, तो इधर का कोण कितना हो जाएगा, 180 में से हम 90 को घटा लेंगे तो भी इसका उत्तर आ जाएगा। तो दो तरीके इसके हल करने के, इसका कोण ज्ञात करने के लिए, या तो ये सीधी लाइन पे 90 का कोण बन रहा है इधर, तो इधर का ज्ञात करने के लिए 180 में से 90 को घटा लो, तो ये दोनों तरीकों से हम इसको कर लेंगे। तो ये आपका जो कोण है एक्स, तो कोण एक्स बराबर हो जाएगा आपके 180 - 90, तो बराबर आएगा आपके 90 डिग्री। ये विभाजिता की जांच करनी कि ये 9 से विभाजित है या नहीं है, तो 9 से विभाजित है नहीं है, जोड़ करके देख लो, 2 + 1 + 4 + 3 + 6 + 5 + 8 + 7, इन सभी की जोड़ करेंगे फिर इसमें 9 का भाग देंगे।
इन सभी की जोड़ करेंगे तो इसकी जोड़ आएगी आपके 36 और 36 में 9 का भाग जाएगा आपके 4 बार। 36 में इसकी जोड़ में 9 का भाग जाता है, इसलिए ये जो संख्या है ये वाली जो दी गई संख्या वो 9 से विभाजित होगी। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। फिर आपके नवा प्रश्न, इसमें आपको योग करना है और ABC का AB का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो संख्या है वो यहीं आएगी और सेम संख्या आपके यहीं आएगी। ऐसी संख्या जिसको उसी में जोड़ने पर इसका अंक वापस वही आए, तो ऐसी संख्या आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है। नेक्स्ट फिर आपके भाग ब में है और इसमें आपको समीकरण को हल करना है और अपने उत्तर की जांच करनी है। सबसे पहले समीकरण को हल करेंगे, 3x बराबर 2x प्लस 18, 2x को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 3x माइनस 2x बराबर 18, 3 में से 2 गए तो 1x बचेगा बराबर में 18। अब x का जो मान आया उसको इस समीकरण में रखना है। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ये आएगा आपके 3 इंटू 18 बराबर 2 इंटू 18 प्लस 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 54 बराबर, इधर आएगा आपके 18 दुनी 36 प्लस 18, 36 में 18 जोड़ेंगे ये भी कितना आएगा 54 आएगा। इसका मतलब दोनों पक्ष बराबर है, अपने उत्तर है जो सही है। अगला प्रश्न आपके 11वां क्वेश्चन, वृत्त चित्र बना रखा है ये, इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये पूछ रहा है कि एक दिन में बच्चों द्वारा सोने पर व्यतीत समय कितना है। तो देखो ये जो टाइम दे रखा वो अलग अलग टाइम है, ये सोने पे 8 घंटे, गृह कार्य में आपके 4 घंटे हैं और अन्य खेल काम में 3 घंटे हैं, खेल में 3 घंटे, स्कूल में 6 घंटे। इस प्रकार से आपको जो बताना है यहाँ पे कि जो एक दिन में बच्चे द्वारा जो सोने पर कितना समय व्यतीत किया जाता है, तो सोने में कितने घंटे हैं 8 घंटे, तो इसमें लिख लेना है 8 घंटे। इसको पाई चार्ट कहते हैं, इसको अंग्रेजी में पाई चार्ट कहा जाता है और वृत्त चित्र भी इसको हिंदी में कहा जाता है। पाई चार्ट के दो या फिर इसको वृत्त चित्र के दो, एक ही बात है। गृह कार्य में व्यतीत समय खेल से कितना अधिक है, तो गृह कार्य का कितना है, गृह कार्य का तो है 4 घंटे और खेल का कितना है 3 घंटे, तो अधिक है तो फिर आपको माइनस करना पड़ेगा अंतर निकालने के लिए। कितना ज़्यादा है तो 1 घंटा इसमें ज़्यादा है, 1 घंटा इसमें अधिक है। देखो इसमें 4 घंटे गृह कार्य में और खेल में 3 घंटे ही है, तो कितना अधिक है, 1 घंटा अधिक है। स्कूल में और खेल में व्यतीत समय का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले तो आएगा ऊपर स्कूल में, अनुपात आ जाएगा आपके खेल में। स्कूल में कितना है, स्कूल में 6 घंटे हैं और आपके खेल में कितना है, तो खेल में आपके खेल में है 3 घंटे। तो इसका अनुपात ज्ञात करेंगे तो 2:1 इसका उत्तर आएगा, क्योंकि 2 के पार से ये कट जाएगा, ये 3 के पार से कट जाएगा, ये 6 कटेगा 2 बार और 3 कटेगा 1 बार। इसका जो उत्तर आएगा आपके 2:1 आ जाएगा। 729 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। 729 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर 729 के गुणनखंड करेंगे। 729 सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का भाग तो इसमें नहीं जाता है, तो हम किसका भाग देंगे, फिर 729 में 3 का भाग चेक करेंगे, 7 और 2 9 9 9 18, 3 का भाग इसमें जाएगा। 7 में जाएगा 2 बार, फिर 12 में जाएगा 4 बार और यहाँ पर 9 में जाएगा 3 बार, फिर इसमें 3 का भाग चेक करेंगे 8 बार और 1 बार। 81 में 3 का भाग देंगे जो 27 बार जाएगा और 27 में फिर 3 का भाग देंगे जो 9 बार जाएगा, फिर 9 में 3 का भाग देंगे 3 बार जाएगा और 3 में 3 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। इसके गुणनखंड को लिख लेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पर आएगा आपके 729 को 3 × 3, 4 बार तो 3 है, तो 3 × 3 × 3 × 3 और 2 बार है, अच्छा 6 बार हैं, तो 6 बार लिख लेंगे 3 को। ये लिखा, फिर इसके 2 2 के जोड़े बना दो, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा और ये 2 का जोड़ा, फिर इसको लिखेंगे हम 1 1 बार। ये 3 आएगा यहाँ से, इधर से भी आपके 1 3 आएगा और इधर से भी आपके 1 3 आएगा, इन तीनों को गुणा कर देना है। तो 3 3 कितने होते हैं, 3 3 होते हैं 9 और 9 को 3 से गुणा करके तो 9 3 27 होते हैं, यानी कि जो 729 है वो किसके वर्ग है, 27 के वर्ग है। तो वर्गमूल ज्ञात करने की ये जो विधि है उसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ये कौन सी विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि है ये, किसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ये वर्गमूल ज्ञात किया था हमने। किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना हो तो इसी प्रकार से ज्ञात करते, तो आपको अभाज्य गुणनखंड आना जरूरी है, उसके लिए आपको भाजकता के नियम भी याद कर लेने हैं। अब आपको 1000 का घनमूल ज्ञात करना है। 1000 का घनमूल ज्ञात करने के लिए आपको 1000 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। 1000 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे, इसको थोड़ा सा इस साइड में कर लेते हैं यहाँ पे, तो 1000 का हम यहाँ पे भाग देंगे 1000 में, तो 2 का भाग देंगे जाएगा इसमें, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 का भाग जाएगा। 500 बार जाएगा 2 का भाग, फिर 2 का भाग देंगे तो 250 बार जाएगा,
फिर दो का भाग देंगे जो आपके 125 बार जाएगा। फिर 125 में दो का भाग नहीं जाएगा, तीन का देंगे, तीन का भी नहीं जाएगा क्योंकि पाँच और तीन आठ होते हैं, तो तीन का भाग भी इसमें नहीं जाएगा। फिर इसमें पाँच का देंगे क्योंकि लास्ट में पाँच है तो पाँच का भाग जाएगा। 125 में 12 में तो जाएगा दो बार, फिर 25 में पाँच बार, फिर 25 में पाँच का भाग पाँच बार, और पाँच में पाँच का भाग एक बार जाएगा। तो 1000 की जो घनमूल है, वर्गमूल में दो दो के जोड़े बनाते हैं और घनमूल में हम तीन तीन के जोड़े बनाते हैं। तो दो को हम तीन बार लिखेंगे और पाँच को भी हम तीन बार लिखेंगे। फिर हमको इसको एक एक बार में, ये तीन तीन की जो जोड़े हैं इसको एक एक बार लिख लेना है। यहाँ से दो आएंगे, यहाँ से पाँच आएंगे, तो इसका जो उत्तर आएगा वो दो इंटू पाँच आएगा। दो पंजे कितने होते हैं? दस होते हैं। तो दस का जो घन होता है वो 1000 होता है, और 1000 का जो घनमूल है वो आपके 10 होता है। इस प्रकार से ये भी आपके अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। फिर आपको सर्वसमीकरण का उपयोग करते हुए 102 का मान ज्ञात करना है। तो देखो 102 को हम क्या लिख सकते हैं, 102 को लिख सकते हैं हम यहाँ पे 100 प्लस 2, एक तरफ 100 और एक तरफ 2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगाना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है सूत्र ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ पे इस प्रकार का सूत्र होता है, ए का मान कितना है 100 है, बी का मान 2 है, तो ए की जगह पर लिखेंगे 100 प्लस बी की जगह पर 2 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान कितना है 100 इंटू बी का मान 2 है प्लस बी का मान 2 का स्क्वायर। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये 100 का जो वर्ग होता है वो 100 को 100 से गुणा करना है, 100 इंटू 100 दो जीरो, तो दो जीरो चार जीरो हो जाएगा ये, तो एक के हम चार जीरो लगा देंगे प्लस इसको गुणा करेंगे तो दो दूनी चार, चार को 100 से गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा। यहाँ पर हम दो का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। इन तीनों को जोड़ करनी है, तो तीनों की जो जोड़ है वो कितनी आ जाएगी आपके, तीनों की जो जोड़ आएगी आपके, ये तो 10000 है, ये 400 ये 4 है, तो 400 में 4 जोड़ेंगे तो 404 आएगा, और 404 को हम 10000 में जोड़ेंगे तो 10404 इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसका जो उत्तर आएगा आपके 10404 आएगा। अगला प्रश्न इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर इन सभी को हम हल करेंगे, तो थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो रही सवाल में, फिर भी इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये कोई निशान नहीं लगा रहा, ये गुणा में मान लेते हैं इसको हम, ये गुणा में। तो 3 की घात 0 का मान होता है 1 प्लस ये 4 की घात है जो माइनस का आएगा, तो इसको लिखेंगे 1/4 और इसकी घात गुणा करेंगे इसको 2 की घात 2 से, यानी कि 2 × 4 हो जाएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसके बटे में कुछ नहीं, तो 1 लघुत्तम इसका 4 आएगा, फिर 4 × 4 प्लस 1 × 1 इंटू ये 4 आ जाएगा। यहाँ पर जोड़ करेंगे तो 4 और 1 5/4 × 4 ये इस वाले 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, केवल 5 आ जाएगा। तो इसका जो उत्तर आएगा वो केवल 5 आएगा। इसी प्रकार से इसको सोल्व करना है तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है 8 की घात -1, वही 2 की घात -4, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, 8 के वाले को नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आपके 5 की घात 3 इंटू 2 की घात 4 और बटे में ये है 8 की घात 1, तो ये नीचे आ जाएगा आपके 8। 2 की घात 4 कितना होता है, 2 की घात 4 होता है 16। 5 की घात 3 कितना होता है 125 इंटू 2 की घात 4 का मतलब होता है 16 और बटे में 8। 8 के पारे से ये कट जाएगा, 8 के पारे से एक बार, ये कटेगा दो बार। 125 को 2 से गुणा करेंगे तो 250 इसका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा कर लेते हैं, घात की घात गुणा होती हैं, तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, माइनस में तो ये प्लस में बदल जाएगा, तो ये 4/2 की घात 2, इसको इस प्रकार से लिखेंगे 2 की घात 2/3 की घात 2 और इसका आ जाएगा आपके होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 की घात 2 कितनी हो जाएगी, 4 और 3 की घात 9 हो जाएगी। फिर इसका हम स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 16/81 इसका उत्तर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये व्यंजक दे रखा है, इसका आपको गुणनखंड ज्ञात करना है, ए प्लस 8 ए प्लस 16, 16 के ऐसे टुकड़े करने जिनको जोड़े या घटाए तो 8 आ जाए, तो 4 × 16 कर लेते हैं, 4 + 4 = 16, 4 + 4 = 8 और 4 × 16, तो इस 8 की जगह लिखेंगे 4 + 4, तो ए स्क्वायर प्लस 4 ए + 4 ए + 16, इसमें से कॉमन क्या आएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, वापस कर लेते हैं इसको, देखो उससे लिख लेते हैं इसको, यह आएगा आपके ए स्क्वायर प्लस 4 ए + 4 ए और प्लस में 16। यहाँ से कॉमन क्या आएगा,
यहाँ से चार ए कॉमन आ जाएगा फर्स्ट में, तो यहाँ पे बचेगा ए प्लस चार। इसी प्रकार से आपके इसमें से चार कॉमन निकालेंगे तो ए प्लस चार यहाँ बचेगा, तो यहाँ जो कॉमन है इसको एक बार लिखेंगे, इसमें जो बाहर आए उसको एक बार कॉमन लिख लेंगे। तो ए प्लस चार बाहर है और ये ए प्लस चार दो बार, तो उसको हम एक बार लिखेंगे, ये इसका जो आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 25 को करना है, तो 25 का गुणनखंड करेंगे, जोड़ें घटाएं तो 10 आ जाए, तो 5 5 25, 5 और 5 10, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे 25 को लिखेंगे हम 5 × 5 और 10 को लिखेंगे 5 + 5, यहाँ हो जाएगा आपका पी स्क्वायर, ठीक है, इसको हम पी स्क्वायर कर लेंगे वैसे वैसे ही। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है पी स्क्वायर माइनस माइनस के 5 पी माइनस के 5 पी और प्लस का 25, यहाँ से कॉमन आएगा आपके पी, पी कॉमन आ जाएगा, तो पी माइनस 5 बचेगा यहाँ पे, यहाँ से हम माइनस के 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा पी माइनस 5, ये माइनस का प्लस से गुणा होकर माइनस बन गया। यहाँ पे ये दो बार है जिसको हम एक बार लिखेंगे पी माइनस 5, और ये जो बाहर कोष्टक में है कोष्टक के बाहर इसको एक कोष्टक में बंद कर देंगे, तो पी माइनस 5, इस प्रकार से इसका उत्तर ये वाला आ जाएगा। फिर आपको ये वाला सॉल्व करना है, तो ये वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें ये ए की घात 4 और बी की घात 4 है, तो इसको हम लिखेंगे ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, और उसको हम वापस स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ये ए प्लस बी और ए माइनस बी बनेगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक बार बनेगा इसमें ए गुणा में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो वैसे वैसे रहेगा, इसको हम वापस लिखेंगे तो इसका जो पूरा उत्तर बनेगा वो इस प्रकार से आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वैसे वैसे ही है, इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आकृति दे रखी है, इसमें आपको ए बी सी डी के निर्देशांक लिखने, जो ए है वो क्या है, यहाँ पे जो संख्या है वो छूटी हुई है, इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये संख्या छूट रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक है, 2 3 4 5, इस प्रकार से इसको बना लेते हैं। जो ए है एक इसमें 4 पे, एक्स का मान 4 और वाई का मान 5 है, ये एक्स अक्ष है और ये वाले आपके वाई अक्ष है, पहले एक्स लिखेंगे तो यहाँ पे एक यहाँ पे ये 4 पे और इधर 5 पे, तो ये 4.5 आ जाएगा। बी कहाँ पे, तो ये रहा बी, यहाँ एक्स का मान 0 है, वाई पे एक्स का मान 0 होता है, तो 0.5 हो जाएगा। सी कहाँ पे, सी यहाँ पे नीचे है, तो यहाँ पे ये एक्स का मान तो है 2, वाई का मान 0 है। फिर आपके डी, तो डी रहा यहाँ पे एक्स का मान है 1 और वाई का मान है 2। ई कहाँ पे, तो एक्स का मान है 2 और वाई का मान है 1। एफ, एक्स का मान 5 है, एक्स का मान तो 5 है और वाई का मान 0 है। इस प्रकार से इस पूरे सवाल को सॉल्व करना है। गुणनखंड इसमें खंड सा में आपके आकृतियाँ दे रखी है, गन और रंस, ये समांतर चतुर्भुज है, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। देखो आमने सामने की भुजा इसमें बराबर होती है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, तो हम क्या करेंगे 3y - 1 = 26 करेंगे, तो 3y = 26, ये माइनस का एक इधर आएगा तो प्लस का एक हो जाएगा, तो 3y = कितना हुआ 27, तो y = आ जाएगा आपके 27/3 यानी कि 9, 27/3 = 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से 3x = 18 करेंगे, तो 3x = आएगा आपके 18, तो x = आएगा आपके 18/3, एक्स का मान कितना आएगा आपके 6, वाई का मान कितना है 9, इस वाले के लिए एक्स वाई का मान दोनों निकाल लिए, x = 6 है और y = आपके 9 है। इसी प्रकार से इसको सोल्व करेंगे, तो इसके जो विकर्ण है वो समद्विभाजित होते हैं, यानी कि ये जो विकर्ण बीच में ओ बिंदु पर काट रहे हैं, यहाँ पर ओ एन और ओ आर बराबर है और एस और ओ यू बराबर है, हम इसको लिखेंगे ओ एन बराबर ओ आर, ओ एन का मान कितना है एक्स प्लस वाई है, बराबर कितना है 16 है। यहाँ पर y और x दोनों में से किसी एक मान का पता होना चाहिए, तो ये पहले हम इससे ज्ञात कर लेते हैं एस ओ से, तो ये है आपके एस ओ या फिर ओ यू बराबर ओ एस, तो ओ यू तो है आपके पास में y प्लस 7, इससे y का मान आ जाएगा और बराबर में ओ एस है आपके 16, ये आपके इसमें 16, तो ये 16 से इसका मान ज्ञात कर लेंगे, तो y का मान कितना आ जाएगा आपके 16 - 7 = 9, y का मान इसमें 9 है, तो ये आ जाएगा आपके x + 9 = 16, तो x = कितना आ जाएगा 16 - 9 = इसका मान आएगा आपके 7, तो x का मान तो है आपके इसमें 7 और y का मान है आपके इसमें 9, तो इस प्रकार से आपको पूरा मान इसमें ज्ञात कर लेना है।
ये जो सवाल है इसमें आपको एक ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको एक तो ले लेना है समय, एक एक्स अक्ष पर समय ले लेंगे और वाई अक्ष पर हम दूरी ले लेंगे। तो समय और दूरी ले लेंगे। समय कितना है, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, यानी कि एक एक के बराबर में एक एक घंटा है। और इधर दूरी कितनी है, 40-40 का अंतर, तो इसमें फिर 40-40 ले लेंगे। तो इधर तो लेंगे हम समय, यहाँ पे है 6 बजे, यहाँ पे 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे। तो ये तो आपके आ जाएगा इसमें समय, ठीक है। और इधर जो आएगा वो आपके दूरी आ जाएगी। दूरी को हम यहाँ पे लिख लेंगे दूरी, और ये वाई एक्स पे आ जाएगा। दूरी कितनी, 40-40 की है, तो यहाँ पे पहले 40 है, फिर आपके 80 है, फिर आपके 120 है, फिर ये है आपके 160, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 200। इस प्रकार से आपको ये पूरी दूरी लिख लेनी। ये लिखने के बाद में आपको छः पे 40, 7 पे 80, 8 पे 120 और 9 पे 160, तो इसको हम मिलान कर लेते हैं। तो इसको मिलाएंगे तो 6 पे थे आपके 40, 7 पे है आपके 80, 8 बजे हैं आपके 120 और 9 बजे आपके 160, और इन सबको हम यहाँ पे मिलान कर लेंगे। और ये वाला जो ग्राफ होगा वह एक रेखीय आलेख के रूप में इसको जाना जाता है, इसको हम रेखीय आलेख कहते हैं। और ये जो रेखीय आलेख है इसका आपको पैमाना भी यहाँ पे लिख लेना है। पैमाना जो होता है वो एक्स अक्ष पे लिखना है। एक तो आपको एक्स अक्ष पे एक बड़ा खाना बराबर कितना घंटा है, 1 घंटा है। और वाई अक्ष पर लिखेंगे हम इसमें एक बड़ा खाना बराबर कितने कितने का गैप है, इसमें 40 का गैप है, तो इसमें आ जाएगा आपके 40 बराबर 40। और दूरी है तो फिर इसमें लिखेंगे किलोमीटर। इस प्रकार से पूरा आपका जो पेपर है वो सॉल्व होता है। तो पूरे पेपर की जो PDF है आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। क्लास 8 का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, PDF वगैरह आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना, और बाकी के जितने भी और वीडियो मैं अपलोड करूँ उनको भी समय समय पर अच्छे प्रकार से देख लेना। इसमें आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता देना, उसको हम सॉल्यूशन कर देंगे। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 7568-35-0069। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर देना, आपका जो समस्या होगी उसका समाधान कर दिया जाएगा। जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।